हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम आसान तरीके से एकदम टेस्टी और हेल्दी मेनू बनाएंगे। इसमें हम बनाएंगे मूंग दाल तड़का, मिक्स वेजिटेबल सब्जी और ब्राउन राइस। साथ में हम फुलका रोटी सर्व करेंगे, अचार, मसाला छाछ और सलाद सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं एकदम टेस्टी और हेल्दी मेनू, जिसे आप लंच में या डिनर में सर्व कर सकते हैं। मूंग दाल तड़का बनाने के लिए आधा कप पीली मूंग की दाल ली है। इसे कुकर में डाल देंगे, पानी डाल के इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेते हैं। मूंग दाल में से इस तरह का व्हाइट पानी निकले तब तक हमें मूंग दाल को धोना है। दाल को 5 बार अच्छे से पानी से धो लिया। अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं, 20 मिनट के लिए इसे भिगो के रखेंगे। दाल को भिगोए 20 मिनट हो चुकी है। ये पानी हम निकाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से पानी से धो लेते हैं। आधा कप दाल ली है तो 2 कप पानी डाल देंगे, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तेल डाल देंगे, 1 टीस्पून जितना। मूंग की दाल को कुकर पे हम कुक करते हैं तो ढक्कन में से पानी बहुत बाहर आता है, तो आपको इसके लिए मैं एक टिप्स देती हूँ। ऊपर थोड़ा सा 3 से 4 बूंद तेल का डाल देंगे। इस तरह से ऊपर तेल डाल देंगे तो कुकर के ढक्कन में से पानी बाहर नहीं आएगा। मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी तक इसे कुक कर लेते हैं। मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, आधी टीस्पून जीरा, जीरा को लाइट ब्राउन भून लेते हैं, 1/4 टीस्पून हींग, गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे, आधी टेबलस्पून कसूरी मेथी, धीमी आंच पे एकदम लाइटली भूनेंगे इसे, कसूरी मेथी जलनी नहीं चाहिए, 1 मीडियम साइज का प्याज की लंबी स्लाइस की है, तेज आंच पे प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इस तरह से प्याज की स्लाइस अलग हो जाए तब तक मैंने इसे लगातार चला के कुक किया है। लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे कुक किया है। 1/4 कप ग्रीन बीन्स, 1/4 कप गाजर और 1/4 कप पत्ता गोभी, सभी को मैंने लंबा चॉप किया है। ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। 1 छोटी साइज का आलू का भी इस तरह से लंबा पीस किया है, ये भी डाल देंगे। 1/4 कप गोभी ली है, फूल गोभी, ये भी डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 9 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। एकदम धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए कुक किया है और बीच बीच में 3 से 4 बार चला लिया था। 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर का लंबी स्लाइस की है और 2 कम तीखी वाली हरी मिर्ची को भी स्लीट करके लंबा पीस में चॉप किया है, ये सब अंदर डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। पालक को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो के रफली चॉप किया है। ये 1 कप पालक है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने इसमें लगभग सभी सब्जियों का इस्तेमाल कर लिया है। आपके पास जो कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट हो गई है तो अभी हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 3/4 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मेरे नॉनवेज वाले फ्रेंड्स को मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास मीट मसाला है घर में अवेलेबल तो आप इसमें गरम मसाला के बदले में मीट मसाला डालना, इससे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, अच्छे से चला के मिक्स कर देते हैं। 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। सब्जी को एकदम हल्का हाथ से चलाना है क्योंकि ये कुक हो गई है तो ये टूट जाएगी। ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक करेंगे ताकि मसाला सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यह है 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे,
एकदम टेस्टी और चटपटी मिक्स वेजिटेबल सब्जी रेडी है। यहाँ पे हम एकदम हेल्दी मेनू बना रहे हैं, तो राइस भी हम एकदम हेल्दी ही बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कप ब्राउन बासमती चावल लिया है। इसे मैंने अच्छे से 4 से 5 बार पानी में धो लिया था और पानी डाल के 1 घंटे के लिए भिगो के रखा है। ये पानी हम निकाल लेते हैं। एक टॉप में 5 से 6 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और ये एकदम गर्म हो गया है। इसमें 2 टीस्पून नमक डाल देंगे। ये पानी हम निकालने वाले हैं, तो नमक इसमें ज्यादा थोड़ा डालना है। चावल डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। एक बॉईल आए तब तक इसे तेज आंच पे कुक करेंगे। चावल में एक बॉईल आ गया है, तो गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर लेंगे और धीमी आंच पे 20 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। ब्राउन राइस है तो इसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है। चावल को कुक होते हुए 20 मिनट हो चुकी है और चावल एकदम अच्छे से कुक हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे स्ट्रेनर में डाल के पानी सारा निकाल लेते हैं। राइस को स्ट्रेनर में निकाल के 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखा था ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। इसे अभी हम ये टॉप में डाल देंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे। दाल का कुकर ठंडा हो गया है तो खोल के देख लेते हैं। दाल अच्छे से कुक हो गई है। चम्मच से इसे इस तरह से थोड़ा घोट लेते हैं। दाल का तड़का रेडी करेंगे। कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून बटर, बटर मेल्ट हो गया है, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को लाइट ब्राउन भून लेते हैं। 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। 1/4 टीस्पून हींग, 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक चॉप करके लिया है। धीमी आंच पे टमाटर को लाइटली भून लेते हैं। टमाटर को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए टमाटर को भून लिया है। दाल हमने बॉईल की है, ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। 1/2 कप एकदम तेज गर्म पानी कुकर में डाल के ले लिया है, अच्छे से चला लेंगे। इसमें 1/2 से 1 कप गर्म पानी डाल के मिक्स कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चीनी। इतनी चीनी से दाल बिल्कुल भी मीठी नहीं बनेगी, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। इसे 7 मिनट के लिए कुक किया है और बीच में 2 बार चला लिया था। दाल थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल हमने बॉईल की तभी 1/2 टीस्पून डाला था और अभी मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप पहले टेस्ट कर लेना, फिर जितना नमक चाहिए उतना नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। दाल के ऊपर एक और तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा लाइट ब्राउन हो गया है, 1 पिंच हींग, 1 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 अदरक जुलियन, 1 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। गैस ऑफ कर देंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तड़का हम दाल के ऊपर डाल देंगे, ये तड़का दाल में डाल देंगे। मूंग दाल तड़का रेडी है। एकदम टेस्टी और हेल्दी डिनर की थाली बन के रेडी हो गई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।